आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत महान देश है और आगे भी रहेगा। भारत विश्व गुरु कहलाता था और विश्व गुरु इसलिए नहीं कहलाता था कि हमारे पास में भौतिक शक्तियाँ थी। मटेरियलिज्म के आधार पर भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं कहलाया गया। भारत अगर विश्व गुरु कहलाया गया तो यहाँ के सात्विकता, आध्यात्मिकता और महापुरुषों की वजह से ही भारत विश्व गुरु कहलाया गया। इस धरती पर 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये वही धरती है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ये वही धरती है जहाँ पर भगवान शिव की अनेकों लीलाएँ देखी गई, वो अमरनाथ में हो, कैलाश पर्वत में हो। भारत इसलिए महान है, यहाँ पर अनेकों महापुरुषों ने और संत महात्माओं ने जन्म लिया। ये कार्यक्रम जो डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया है, हमारी भी हर जगह एक खोज रहती है। हम हर जगह जाते हैं और खोज करने की चेष्टा करते हैं। हमारी बहुत समय से एक खोज है कि हम किसी ऐसे महापुरुष, ऐसे सिद्ध संत के दर्शन करना चाहें जिससे हमारे को भी आत्मशांति मिले और आपको भी ऐसा व्यतीत हो, ज्ञान प्राप्त हो, जिससे आपको भी लगे कि हाँ, सचमुच हमने आज एक महान संत महापुरुष और सिद्ध सन्यासी का दर्शन किया। इस संदर्भ में हमारी ये टीम आज जयपुर आई है इस कार्यक्रम को करने के लिए। जयपुर में खाटू श्याम जी का ये मंदिर है, जो यहाँ पर दश अवतार भी बहुत सारे विद्यमान हैं। मैं बात करता हूँ हमारे संत, सरल संत, ऐसे व्यक्ति जो 24 घंटे में सिर्फ 100 ग्राम सत्तू खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई अन्न नहीं लेते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, मौन और अपने ज्ञान और तप में 24 घंटे रहने वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत का मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आपके सामने उनके दर्शन करवा दूं। मैं बात कर रहा हूं महामंडलेश्वर राधा मोहनदास जी महाराज जी का। महाराज जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि आपने व्यस्त समय में, आप इस वक्त व्यस्त रहते हैं अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, तो आप कुछ समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में, आपके ही मंदिर में हम बैठे हैं और आप कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे, लोगों को अपने ज्ञान के अमृत से उनको भी नहलाएंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। मैं आपका स्वागत करता हूं महाराज। इससे पहले हम कार्यक्रम शुरू कर लें महाराज जी, एक मन में पहला प्रश्न तो यही आ रहा है कि आप इस संत परंपरा में कैसे आए, आपके गुरुदेव कौन थे, कैसे आपने जो जीवन है उस जीवन को त्याग दिया, अपने बहुत सारे ऐशो आराम को त्याग कर आप इस जीवन में आए महाराज जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं संत परिवेश में क्यों आया, इसका कोई सम्यक उत्तर नहीं है, क्योंकि जब प्रारब्ध प्रबल होता है तभी संत परिवेश में आते हैं। नहीं, संत परिवेश में आना बहुत कठिन डगर है, बहुत कठिन काम है। दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती, ये इतना कठिन मार्ग है, इतना कठिन मार्ग है, जैसे तलवार के धार पर चलना। तो हम तो यही कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार आए। मुझे याद है, मैं सेकेंड ईयर में पटना एन कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे हिंदी साहित्य के प्राध्यापक थे,
वो कबीर साहित्य पढ़ा रहे थे जी, उसमें उन्होंने कुंडलिनी का जिक्र किया, तो हमारे मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कुंडलिनी के संदर्भ में जानने की, तो मैं संतों की खोज में लग गया। संत बनने के पूर्व मैं कई संतों के पास गया, चलते 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 हमें परम पूज्य सदगुरुदेव श्री राधा सर्वेश्वर जी परमहंस से मुलाकात हुई। कौन सी जगह महाराज जी? जगह तो था वो जौनपुर, लेकिन वो रहने वाले थे वृंदावन में, जहाँ अभी मेरा आश्रम है, जिस आश्रम पर हम निवास करते हैं जी जी महाराज, वो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव का ही स्थान था। और उनसे मुलाकात हुई और संजोगात हम उनसे दीक्षित हुए और उस परंपरा में चल पड़े। हम निम्बार्क संप्रदाय के परंपरा से संत बने हैं। देखिए, हमारे यहाँ उपासना की कई पद्धतियाँ हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति की अभिरुचि भिन्न भिन्न होती है, वैसे ही उपासना में भी अभिरुचि भिन्न भिन्न होती है। कोई एक ही मार्ग पर नहीं चलता है। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, जीवो ब्रह्मही वनापरा, जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, एक ही है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन हमारे निम्बार्काचार्य ने कहा कि नहीं, ज्ञानम स्वरूपम चहरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। वो कहे कि नहीं, ये जितने शरीरधारी हैं उतने जीव हैं, और कितने हैं ये इसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत हैं। इसको सांख्य में भी प्रतिपादित किया गया है, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्व। जन्मादि की व्यवस्था यदि हम देखें तो उसके कारण ढेर सारे पुरुष दिखाई पड़ते हैं। इनकी संख्या कितनी है इसका कोई ठिकाना नहीं है, कह दिए अनंत। श्रुति में भी आता है, अजाम मेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपहा अजो ह्येको जुष्माणोनुसेते जहात ये नाम भुक्त भोगा मजुन्या। श्वेताश्वर उपनिषद में ये पंक्ति आती है। एक पक्ष तो ये कह रहा है, हम दो तरह की उपासना पद्धति लेकर चलते हैं, एक द्वैत की उपासना है, एक अद्वैत की उपासना है, और हमारे सनातन संस्कृति में दोनों तरह की उपासना पद्धति प्रचलित है। अद्वैत वाले भी बहुत मिलेंगे और द्वैत वाले भी बहुत मिलेंगे। जो शंकराचार्य की परंपरा रही है वो द्वैत की अद्वैत की परंपरा, अद्वैत की, नॉन ड्यूअलिज्म, हाँ, वो एक मानते, एक मानते हैं, हाँ, एक ही ब्रह्म, एक ब्रह्म, एको देव सर्वव्यापी गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। श्रुति में भी आता है, लेकिन उसी श्रुति में आता है कि नहीं, वो एक ही नहीं है, वो दो भी है, वो दो ही नहीं अनेक वो, है, वो तीन भी है, तीन ही नहीं वो अनंत अनंत, जितने रूप दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे ब्रह्म हैं, सारे उसी की अभिव्यक्ति है। उपासना वैष्णवाचार्यों ने द्वैत की उपासना स्वीकार की, उसी में हमारे निम्बार्काचार्य जी हुए, जिन्होंने आत्मा को ज्ञान स्वरूप तो माना है लेकिन प्रति शरीर में भिन्न भिन्न माना है और उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो ईश्वर के अधीन है। हमारे वैष्णव जगत में जैसे ईश्वर की सत्ता स्वतंत्र है
वैसी जीव की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, जीव को ईश्वर के अधीन माना गया है। तो हमारे निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में द्वैताद्वैत, भेदाभेद जिसको बोलेंगे, भिन्ना भिन्न भी बोलेंगे, यानी द्वैत भी है और अद्वैत भी। विचार काल में तो वो अद्वैत है, लेकिन व्यवहार काल में वो द्वैत है। जैसे फूल है और फूल की खुशबू है, खुशबू फूल से ही आ रही है, यानी फूल और खुशबू दोनों एक हैं। और इस सर्वांश में हम यदि मान लेते कि फूल से खुशबू की सत्ता भिन्न नहीं है, सुमन से सुगंध की सत्ता भिन्न नहीं है, तो हम तक कभी पहुंचती नहीं। इसका मतलब वो द्वैत भी है, अद्वैत भी है और अद्वैत भी है। जैसे सूर्य है और सूर्य की प्रभा है, यदि सूर्य और सूर्य की प्रभा एक नहीं होते तो प्रभा आती ही नहीं, और सर्वांश में यदि एक होता तो कभी हम तक आती ही नहीं। इसका मतलब द्वैत भी है, अद्वैत भी है और अद्वैत भी है। महर्षि, यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि जगतगुरु निम्बार्काचार्य जी क्यों धरती पर आए, किस लिए धरती पर आए, और उन्होंने जो धरती पर आने के बाद में उनको कैसे विचार ये आया कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो हमें विचार दिए थे, हमें उनसे हटके भी समाज में सुधार लाने के लिए कुछ नया काम करना चाहिए। गर्ग संहिता में कथा आती है, ये इस संवत्सर में, विक्रम संवत्सर में चार महापुरुष हुए, विष्णु स्वामी वामनांश तथा माध्वस्तु ब्रह्मणा। ब्रह्मा जी माध्वाचार्य के रूप में आए, रामानुजस्तु शेषांशु, भगवान शेष रामानुजाचार्य के रूप में आए, निम्बार्क सनकस्य च, सनकादिक भगवान निम्बार्काचार्य के रूप में आए। ये चार महापुरुष वैष्णव समाज में चार संप्रदाय हैं। तो पहले तो आदिगुरु शंकराचार्य जी आए, सेकंड नंबर पर कौन आए थे महाराज जी? ये नहीं कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी पहले आए। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है इतिहासकारों की कि उसके पहले निम्बार्काचार्य आए, सबसे पहले निम्बार्काचार्य जी। हाँ, सबसे पहले तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इनसे पहले शंकराचार्य के पहले निम्बार्काचार्य जी आए। ये महापुरुष इस धरा पर आते हैं जीव के कल्याण के लिए जी। देखिए, संसार में मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य की योनि में जीव जन्म लेता है, तो केवल एक प्रयोजन के लिए ही आता है, और वो प्रयोजन है उसका उद्धार, कल्याण। कल्याण का तात्पर्य है जन्म और मरण की परंपरा से रहित होना। ये सबसे बड़ा जो दुख माना गया है जगत में, वो जन्म और मरण ही माना गया है। इस परंपरा के उच्छेद के लिए ही जीव का जगत में और जन्म होता है। अब ये हमारे महापुरुष इसलिए आते हैं कि हम जन्म तो लिए हैं अपने कल्याण के लिए, लेकिन हम कल्याण के मार्ग को न पकड़ के और हम जन्म मरण के मार्ग को ही पकड़ ले, और इसी के कारण हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पूर्णपि मरणम, पुनरपि गर्भ निवासम। हाँ, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भजगो बिंदम गोविंदम भज मोहिपते। तो हम जन्म ही इसलिए लेते हैं कि हमारा कल्याण हो। शास्त्र में भी वचन है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्तवा हरिम भजे। सौ काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, हजार काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए,
लाख काम छोड़ करके दान देना चाहिए और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। हम आए ही हैं इसलिए, दूसरा इस जगत में आने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। हम यदि कहें कि यह भोग भोगने के लिए आए हैं तो भोग तो सुकर और कुकर की जोनी में भी मिलता है, पुत्र पौत्र वहाँ भी उत्पन्न करते हैं, समागम वहाँ भी करते हैं, शयन वहाँ भी करते हैं, तो फिर मनुष्य की योनि में और त्रियक योनि में क्या फर्क रहा। मनुष्य की योनि तो केवल इसीलिए श्रेष्ठ है कि हम चाहे योग की पद्धति से, चाहे भक्ति के पद्धति से, चाहे ज्ञान के पद्धति से, जैसे भी हो हम अपना कल्याण कर, दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। अब उसके लिए अद्वैत मार्ग से चलने वालों के लिए शंकराचार्य जी ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वैष्णवाचार्यों ने द्वैत की पद्धति से भगवत भक्ति का उपदेश प्रदान किया, उसमें शंकराचार्य अद्वैत के मार्ग से और निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी भक्ति के मार्ग से भगवान की ओर चलने के लिए प्रेरणा दी। ये हमारे महापुरुष इस संसार में केवल इसीलिए आते हैं कि जगत के जीवों का कल्याण हो। बहुत ही आप सबको अच्छा लगा होगा, महाराज श्री ने थोड़ा बहुत अपने बारे में आपके सामने में ज्ञान रखा। इन्होंने जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी की फिलॉसफी के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी और अद्वैत और द्वैत के बारे में भी इन्होंने दोनों में क्या अंतर है ये आपके सामने में रखा। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम वापस महाराज जी के साथ में इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे।